गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल्स और फैक्टर, है ना। मल्टीपल्स तो हम देख चुके हैं, है ना, किस तरह से मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। आज के क्लासेस में हम फैक्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, यदि कोई नंबर दिया गया है ना, यदि कोई नंबर दिया गया है उसका फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यदि कोई नंबर दिया गया है जिसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जो नंबर दिया गया है वो आना चाहिए। सपोज यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 12 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, ठीक है। तो जैसे कि 1 ले लिया मैं, 1 का यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 12 जा 12 आएगा, ठीक है। और ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, ठीक है। तो 2 के टेबल में आता है क्या, देखो 2 के टेबल में 12 आता है क्या, तो 2 का 6 टाइम यदि हम टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12 आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में भी आता है, 3 का यदि 4 टाइम हम टेबल पढ़ें, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12। 4 के टेबल में आएगा क्या, 4 3 जा 12 आता है, 4 3 जा 12, ठीक है। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, ठीक है। 6 into 2, 6 2 जा 12, ठीक है। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 9 10 नहीं आता, डायरेक्टली 12 के टेबल में आएगा, 12 1 जा 12, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो मेथड है, यह है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिससे कि ये जो 12 है, ठीक है, 12 है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, नो रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए 12। तो देखो यहाँ 1 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, उस नंबर्स का फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू क्या क्या हो गया जी, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12, ये सब 12 के फैक्टर हैं। यदि आप यहाँ पर देखना कि किसी भी नंबर से यदि हम 12 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है, तो रिमाइंडर बचना नहीं है, है ना, रिमाइंडर अगर बच गया तो वो नंबर्स फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसे समझने के लिए। क्वेश्चन दिया है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, है ना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, क्या 3 8 का फैक्टर है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8 बोल रहा है क्वेश्चन, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, क्या 3 8 का फैक्टर है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, क्या 3 8 का फैक्टर है। तो फैक्टर किसको बोलते हैं, यदि जो नंबर दिया गया है, ठीक है, ये 8 जो दिया गया है, ठीक है, यदि इसको कम्प्लीटली यह डिवाइड कर दे, ठीक है, तभी हम इसे 8 का फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, चलिए डिवाइड करके 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, तो पता चल जाएगा 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यदि 8 से हम 3 को 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 3, तो चलिए 3 का टेबल पढ़ो, 8 से ज़्यादा ना हो, तो 3 का 2 टाइम, 3 2 जा 6 होगा, ठीक है, माइनस 2, देखिए रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर इज अ 2, ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दैट हियर रिमाइंडर इज 3,
सो दैट थ्री इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एट। ठीक है, इसलिए एट का फैक्टर थ्री नहीं हो सकता है ना, या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36 है ना, सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। क्या सिक्स 36 का फैक्टर है? ठीक है, सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36, सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। चलिए इसको चेक करते हैं, क्या सिक्स 36 का फैक्टर है? ठीक है, तो यहीं से आप जान सकते हो क्या सिक्स के टेबल में 36 आता है। ठीक है, तो सिक्स सिक्स जा 36 आता है ना। मल्टीप्लीकेशन मेथड से इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, आप 36 को 6 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखो 6 6 जा 36 आता है, ये तो मल्टीप्लीकेशन मेथड से हो गया है ना। ठीक है, फाइंड आउट कर लिए। अब दूसरा मेथड क्या है, डिवीजन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 36 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो कितना आता है, 6 6 जा 36, रिमाइंडर जीरो नहीं बच, मतलब जीरो बच रहा है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो चलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह जो नंबर्स दिया गया होता है, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तभी हम उसको फैक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, जिसे आप सबको सॉल्व करके दिखाना है। थैंक यू।